मैं हूँ मीटियोराइट, मुझे न कराना राइड, वरना सब कुछ हो जाएगा साइड एंड वाइड। मैं गुजरूं धरती के वायुमंडल से, तो डरना मत मुझसे, क्योंकि तब मैं नहीं होता मीटियोराइट। दैट्स राइट। बहुत अच्छे मिस्टर मीटियोराइट, मैं जरा आपकी ये पोयम समझा दूं अपने दोस्तों को। अब हम बात करेंगे उल्का, उल्कापात और उल्कापिंडों की, तो आ जाइए। एक उल्कापिंड एक छोटा सा पहाड़ जैसा सौर मंडल का पिंड होता है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलता है मार्स और जुपिटर के बीच। वो, 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 वो। याइप्स। जिसे अक्सर सौर मंडल का कबाड़ खाना भी कहा जाता है। जब उल्का पिंड के आसपास के कण एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, तो वो जलना शुरू कर देते हैं। जब ये जलता हुआ उल्का धरती के वायुमंडल से निकलता है, तो उसे उल्कापात कहा जाता है। और जब उल्का वायुमंडल से बचता हुआ नीचे आ जाता है और धरती से टकराता है, तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। एक उल्का, उल्कापात और उल्का पिंड। क्या आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा है? वाओ दोस्तों, असल में ये उल्कापात ही होते हैं। कुछ उल्कापात बाकियों से ज्यादा चमकीले लगते हैं और इन्हें आग के गोले कहा जाता है। कुछ आग के गोले शुक्र ग्रह से भी ज्यादा चमकीले लगते हैं। बहुत ही कम ऐसे उल्का होते हैं जो एक खास रास्ते पर चलकर धरती के वायुमंडल में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, और उन्हें कहा जाता है ग्रेजिंग फायरबॉल्स। दोस्तों, करीब 2.5 करोड़ उल्कापात धरती के वायुमंडल में रोज आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जल जाते हैं, और इनमें से हर रोज 10 लाख किलो धूल निकलती है जो धरातल में जमा हो जाती है। तो किसे पता था कि हमारे आसपास जो धूल है वो अंतरिक्ष से आई है? दोस्तों, उल्का पिंड 3 तरह के होते हैं। पत्थर वाले, वो जिनमें लोहा पाया जाता है, और वो जिनमें चुंबक होता है। ट्रिविया टाइम। दोस्तों, छोटे तारों से ही उल्का पिंड बनते हैं। धरातल पर हर साल 500 उल्कापात आते हैं, जिनमें से वैज्ञानिकों के पास अध्ययन के लिए 5 से 6 ही पहुंच पाते हैं। मैं हूँ एक मीटियोराइट जो है बहुत ज्यादा ब्राइट, पर धरती पर आकर हो गया मैं डाई। मैं हूँ एक मीटियोराइट, मैं हूँ एक मीटियोराइट जो है बहुत ज्यादा ब्राइट। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे कुछ मजेदार बातों के साथ। मैं हूँ एक मीटियोराइट।